और नफाक का मतलब है लड़ाई, झगड़ा, फितना, फसाद, ईमान, कुफर, आबाद, वीरान, कलील, कसीर। कलील का मतलब होता है बहुत कम, कसीर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तलू, गरूब, तलू का मतलब है उभरना, निकलना, और गरूब का मतलब है डूबना। इसकी वाज़े मिसाल सूरज है। ज़ालिम, मज़लूम, ज़ालिम कहते हैं ज़ुल्म करने वाले को, और मज़लूम कहते हैं वो इंसान जिस पर ज़ुल्म किया जाए, वो जानवर जिस पर ज़ुल्म किया जाए। कामयाब, नाकाम, फतह, शिकस्त। फतह का मतलब जीत जाना, जीत हासिल करना। शिकस्त का मतलब होता है हारना। खुश्क, तर, खुश्क का मतलब है सूखा और तर का मतलब होता है गीला। ज़रख़ेज़, बंजर, ज़रख़ेज़ का मतलब होता है शादाब, सरसब्ज, और बंजर का मतलब होता है तबाहाल। दुश्वार, आसान, दुश्वार का मतलब है मुश्किल। वफ़ादार, बेवफा, नफ़ा, नुकसान। इल्म, जहालत, शमाल, जनूब, मशरिक, मग़रिब। ये दो जो हैं 29, 30 और 30, ये आपके आपके डायरेक्शंस हैं, मशरिक, मग़रिब, शमाल, जनूब। आखिर क्लास ये आपने अपने कॉपस पे लिखने भी हैं और इनको याद भी करना है, उसके अलावा आपने सबमिट भी करवाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।